रोजनामा राष्ट्र सहारा का इदारा, मनरेगा का फंड रोकना, खुली मजदूर दुश्मनी, मगरबी बंगाल झारखंड और गैर बीजेपी हुक्मरानी वाली दीगर कई रियासतों में मरकज ने गुज़िश्ता कई माह से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का फंड रोक रखा है। मरकजी हुकूमत की तावील है कि इन रियासतों में मनरेगा का निफाद तसली बख्श नहीं है और मुख्तलिफ सतहों से शिकायत आ रही है और ये रियासतें मरकज की हिदायत पर अमल भी नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। मरकज ने मनरेगा एक्ट 2005 की दफा 27 का हवाला देते हुए मगरबी बंगाल के लिए मनरेगा का 7,500 करोड़ रुपये रोक रखा है। रियासत पर वैसे भी लक्ष्मी भंडार के 500 और 1,000 रुपये फीकस का भारी बोझ पहले से है। दीगर कई तरह की स्कीमें भी ममता हुकूमत ने चला रखी हैं। रियासती महसूलात का एक काबिल लिहाज हिस्सा उनकी अदायगियों की नज़र हो जाता है, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल इन दिनों फंड की शदीद कमी से गुजर रहा है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और भत्तों की अदायगी में भी बंगाल हुकूमत को शदीद परेशानी का सामना है। इन सब के दरमियान रियासत के सरकारी मुलाजिमीन जो पहले से ही एहतजाज और मुजाहरे की राह पर हैं, महंगाई भत्ता में इजाफा के लिए हड़ताल का इंतबाह दे दिया है। दूसरी रियासतों में भी मनरेगा के ताल्लुक से कमोबेश यही सूरत हाल है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को हुकूमत हिंद ने 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तौर पर मुतारफ कराया था। साल 2010 में इसका नाम बदलकर अपना खुली मजदूर दुश्मनी, मगरबी बंगाल झारखंड और गैर बीजेपी हुक्मरानी वाली दीगर कई रियासतों में मरकज ने गुज़िश्ता कई माह से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का फंड रोक रखा है। मरकजी हुकूमत की तावील है कि इन रियासतों में मनरेगा का निफाद तसली बख्श नहीं है और मुख्तलिफ सतहों से शिकायत आ रही है और ये रियासतें मरकज की हिदायत पर अमल भी नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। मरकज ने मनरेगा एक्ट 2005 की दफा 27 का हवाला देते हुए मगरबी बंगाल के लिए मनरेगा का 7,500 करोड़ रुपये रोक रखा है। रियासत पर वैसे भी लक्ष्मी भंडार के 500 और 1,000 रुपये फीकस का भारी बोझ पहले से है। दीगर कई तरह की स्कीमें भी ममता हुकूमत ने चला रखी हैं। रियासती महसूलात का एक काबिल लिहाज हिस्सा उनकी अदायगियों की नज़र हो जाता है, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल इन दिनों फंड की शदीद कमी से गुजर रहा है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और भत्तों की अदायगी में भी बंगाल हुकूमत को शदीद परेशानी का सामना है। इन सब के दरमियान रियासत के सरकारी मुलाजिमीन जो पहले से ही एहतजाज और मुजाहरे की राह पर हैं, महंगाई भत्ता में इजाफा के लिए हड़ताल का इंतबाह दे दिया है। दूसरी रियासतों में भी मनरेगा के ताल्लुक से कमोबेश यही सूरत हाल है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को हुकूमत हिंद ने 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तौर पर मुतारफ कराया था। साल 2010 में इसका नाम बदलकर पहले से ही एहतजाज और मुजाहरे की राह पर है महंगाई भत्ता में इजाफा के लिए हड़ताल का इंतबाह दे दिया है। दूसरी रियासतों में भी मनरेगा के ताल्लुक से कमोबेश यही सूरत हाल है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को हुकूमत हिंद ने 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तौर पर मुतारफ कराया था। साल 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया। यूपीए 1 के दौर में शुरू मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक बहबूद का प्रोग्राम है जो कम से कम 100 दिनों के कानूनी रोजगार की जमानत देता है। इस स्कीम की वजह से देही मजदूरों में एक मुस्बित तब्दीली भी फरोग पाई है। एदाद और शुमार के मुताबिक प्रोग्राम के पहले 10 वर्षों में इस स्कीम पर कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस स्कीम के निफाज की वजह से देही इलाकों में लाखों अफराद को गुर्बत की दलदल से बाहर निकालकर देही गुर्बत को कम करने का हदफ हासिल किया गया। इस स्कीम के जरिए रोजी रोटी के मौके पैदा करके दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल की तरक्की में भी मदद मिली है। मनरेगा का 2015 में आलमी बैंक ने अवामी फलाह का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम तस्लीम किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक मनरेगा ने गरीब और समाजी तौर पर कमजोर तबकों मजदूरों कबाइलियों दलितों और छोटे पसमानदा किसानों में गुर्बत को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। मनरेगा